गुजरात में सीएम कौन होगा इस पर से पर्दा उठ चुका है। विजय रूपानी गुजरात के नए सीएम चुने गए हैं। वहीं जिसका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था नितिन पटेल, उन्हें डिप्टी सीएम चुना गया है। आज विधायक दल की बैठक में दोनों नामों पर मुहर लगाई गई। बताया जा रहा है कि आनंदीबेन नितिन पटेल के पक्ष में थी। आनंदीबेन ने रूपानी के नाम का विरोध भी किया था, लेकिन इसके बावजूद अन्य नेताओं की सहमति से रूपानी को सीएम चुना गया। आपको बता दें कि रूपानी गुजरात की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। विजय रूपानी 1971 में जनसंघ में शामिल हुए थे। इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे। विजय रूपानी की संगठन में पकड़ अच्छी है। वह साफ सुथरी छवि के नेता हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वहीं यहां पटेलों को साधने के लिए बीजेपी ने नितिन पटेल को डिप्टी सीएम का पद दिया है। नितिन पटेल का उत्तरी गुजरात में जनाधार है। पटेल समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। पटेल आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार की ओर से बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी छवि जमीन से जुड़े नेता की है। तो साफ है कि बीजेपी ने पटेल और रूपानी दोनों के हाथ में सत्ता सौंपकर राजनीति के तराजू को संतुलित करने की कोशिश की है। जातिगत समीकरणों का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। अब गुजरात की जनता बीजेपी के इस कदम को कितना सराहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।